क्रंची सी फीलिंग आपको ये देता है? ये फ्राई पापड़, रोस्टेड पापड़, हाँ, वेज भाजी, पनीर और आलू। वाओ, एंड दिस इज डेथ बाय चॉकलेट, मतलब खलास। सोचो घना जंगल हो, उसके बीचों बीच बैठ के आप खाना खा रहे हो तो कितना मजा आएगा ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो रहते हैं सिटी में और ऐसा फॉरेस्ट में हमको कहाँ मिलेगा। आज मैं आई हूँ थाने के ये लोकेशन में, जहाँ पे है एक तरफ बहुत घना जंगल, दूसरी तरफ पहाड़, और वहाँ पे आपको मिलेगा लेक भी। लेके जाने वाली हूँ फॉरेस्ट बेस थीम वाले एक रेस्टोरेंट में, जो कि है बस इसी लोकेशन में और आपको देता है पूरा नेचर वाली वाइब्स। तो बस ये हूँ कि इसी लोकेशन में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ फॉरेस्ट बेस थीम वाले रेस्टोरेंट में। आपको देते हैं नेचर भरी एनवायरनमेंट। और आप एंजॉय कर सकते हो अपना डिलीशियस खाना। मतलब आप यहाँ पे नेचुरल वाइब्स एंजॉय करने के साथ में इनके बार काउंटर में कॉकटेल्स, मॉकटेल्स और लिकर भी एंजॉय कर सकते हो। बट मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे मॉकटेल, तो ये जो मेरा पहला मॉकटेल बना है वो है लंदन क्वीन। यूनिक नाम है इसमें, लीची सिरप, पाइनएप्पल जूस और आइसक्रीम। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, ऊपर से काफी क्रीमी है, आइसक्रीम को डाल के ना इसका टेस्ट जो है काफी अमेजिंग लगता है। लाइट म्यूजिक इनके बैकग्राउंड में चलते रहता है। दिस इज अनदर मॉकटेल आई ऑर्डर्ड। अगर आप कॉकटेल के शौकीन हैं तो आप कॉकटेल भी ऑर्डर कर सकते हो। एंड दिस इज डेथ बाय चॉकलेट, मतलब खलास। इसका नाम है डेथ बाय चॉकलेट। इसमें चॉकलेट सिरप और इन्होंने डाला हुआ है दो, आप देख सकते हो इसके अंदर इन्होंने डाली हुई दो अच्छी खासी किट कैट, और डेरी मिल्क से इन्होंने गार्निश किया है। चॉकलेटी है, दिख रही है, तो इसको ट्राई करना तो जरूर बनता है। ऊपर से जो इन्होंने गार्निश किया है ना, दैट मेक्स इट रियली ऑसम। I'm going to take my seat outside nearby the nature and share with you lot more unique varieties that you can order here.
काफ़ी सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे टेबल पे दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें यूनिक मिलती है। मैंने बहुत आराम से अपना कॉकटेल तो एंजॉय किया ही, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या यूनिक आप ऑर्डर कर सकते हो। ये है वेज ज़ाफ़रानी टिक्की। हाँ तो भैया बताओ इसमें क्या क्या है, ये डिश कौन सी है पहले वो बताओ। ये है वेज ज़ाफ़रानी टिक्की। हाँ, इसमें फ्राई पापड़ आएगा, रोस्टेड पापड़, वेज भाजी आएगा, पनीर आएगा और आलू आएगा। क्या क्या आएगा वापस बताओ। ये फ्राई पापड़ है, रोस्टेड पापड़। हाँ, वेज भाजी, पनीर और आलू। सब्जी में क्या क्या है? सब्जी मिक्स वेज है और पनीर है। हाँ जी। अच्छा, तो शुरू करो फिर बनाना। बहुत सारी वेजीज पनीर को डालकर शेप के साथ में इसको कोट किया जाता है और काफ़ी कुरकुरी ये बनती है। और फिर इस तरह से आप इसको इनका ये डिप भी देते हैं और डिप में डाल के फिर आपको इसको खा सकते हैं। काफ़ी कर्रम कुर्रम भी लग रही है ये। मिंट चटनी है और इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अलग है। ये कॉर्नफ्लावर है। ये डिप करके फिर ये फ्राई होने जाएगा। की डिश ट्राई की है तो मेरे साथ में तो ज़रूर शेयर करोगे, है ना। बाहर से काफ़ी क्रंची है बिकॉज़ ये सेव लगा के डीप फ्राई होता है और अंदर में पनीर का टेस्ट आपको मिलता है, काफ़ी यूनिक है। क्रंची सी फीलिंग आपको ये देता है। वाह, काफ़ी गरम गरम है, बस तेल में से तल के ये अभी अभी यहाँ प्लेट में डायरेक्टली सर्व हुई है। थोड़ा सा गिरा दिया मैंने और चटनी के साथ में ना लाजवाब इसका कॉम्बिनेशन है। वाह, सारी चीज़ें मैंने एक सौ ऑर्डर कर दिया तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरा दूसरा ऑर्डर क्या है। ये है नान ए शान। शान ए नान, बस ऐसा ही कुछ इसका नाम है। तो इसकी खास बात ये है कि ये होता है ऐसे नान का एक पॉकेट बनाया जाता है और पॉकेट में फिल किया जाता है ये चिकन टिक्का। कितना यूनिक डिश है ये, आप मुझे बताओ। ये दोनों इस तरह से पॉकेट बने हुए हैं और दोनों पॉकेट, चलो दोनों आपको हाथ में लेके मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बना होता है। ये उठा नहीं सकते एक हाथ से, आपको दोनों हाथ से इसको उठाना पड़ेगा। तो आप देखो ये इस तरह से इसकी फिलिंग है, इस पॉकेट के अंदर आपको चिकन टिक्का डाल के इस तरह से रोल जैसे आपको दिया जाता है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसकी एक ख़ास बात और है कि आपको फिलिंग की वैरायटी मिलेगी, जैसे मैंने चिकन टिक्का की फिलिंग ली है इसमें, बट अगर आप चाहो तो इसमें वेज की भी फिलिंग डलवा सकते हो या फिर नॉनवेज की भी किसी वैरायटी की फिलिंग आपके चॉइस की हो सकती है। तो इसको ट्राई करें। चिकन टिक्का जो है ना काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी मेसी ये
मेसी ये करने वाला है आपके मुंह को और हाथ को, बट स्टिल इट इज़ बेटर टू ट्राई समथिंग यूनिक। इस तरह से पॉकेट में डाल के इसको खाना इज समथिंग आई एम एंजॉइंग, एंड आई थिंक आपको ये डिश कितनी अच्छी लग रही है वो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। और काफ़ी लजीज है ये, मसाला इसका बहुत अच्छा है और इसमें है बहुत सारा चिकन। इस तरह से मैं यहाँ बाहर झरने के वहाँ पे बैठ के नेचर की वाइब्स में ये इतनी अच्छी डिश एंजॉय कर रही हूँ। नॉट टू वरी अबाउट मैसिंग इट अप, बस इसको हाथ में लो और आप इसको बहुत इन्जॉय करोगे। आई डोंट नो ये मेरे मुँह पर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, बट स्टिल इट इज़ ओके टू इग्नोर इट। दिस इज समथिंग अनदर डिश आई ऑर्डर्ड हियर, दिस इज चिकन हॉट पॉट। इस तरह से ये अब काफ़ी ठंडा हो गया और इसका स्मोक ख़त्म हो चुका है, पर जब इसको लाया गया था इसमें काफ़ी स्मोक था, जैसे सिज़लर होता है। सिज़लर में जनरली होता है बहुत सारी डिशेस और राइस, नूडल्स, ग्रेवी, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, फ्रेंच फ्राइज, वेजीज, बट दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ सिज़लर। बट ये चिकन हॉट पॉट, मतलब आपको चिकन के इस स्टार्टर को ये सिज़लिंग डिश में डाल के ये सिज़लर के जैसे सर्व करते हैं। तो अब इसका टेस्ट देखें, फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। और ये काफ़ी अभी भी गर्म, सारी डिश में से सबसे गर्म चीज़ अभी यही बची है। इसका लुक देखो, ये बिल्कुल चिली चिकन के जैसे लुक दे रहा है। वाओ, काफ़ी गर्म रहता है ये बहुत टाइम तक, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट योर फूड। ये अभी भी सिजल हो रहा है थोड़ा थोड़ा नीचे से बेस में। चिकन हांडी जिसको प्रिपेयर किया एकदम गाउटी स्टाइल में, तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत खुरदरा सा, खुरदरी सी ग्रेवी है एकदम, मतलब पेस्ट नहीं हुई है ये, और इसको एकदम मतलब जो गांव के लोग बनाते हैं ना एकदम गाउटी स्टाइल में, ये बिल्कुल उस तरह से बना हुआ जैसे गांव के लोग हैं ना हाथ से पीस के मसाले बनाते थे। और क्वांटिटी आप देखो भाई, चार जन को ये कैन सर्व 4 पीपल। ये देखो, ये है इतनी बड़ी हांडी में ये सर्व करते हैं। हाँ, एकदम इनके मसालों की खुशबू है ना, एकदम जो गांव के लोगों का मसाला होता है ये उस तरह से है। और इसके साथ में ये देते हैं अनियन अचार और नींबू। चिकन हो और अनियन नहीं हो तो ये कैसे हो सकता है। तो इसको हम खाएंगे नान के साथ में, ट्राई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है ये। उसके पहले देखते हैं इनके चिकन को, चिकन में से ऐसा धुआं निकल रहा है ना, काफ़ी गर्म है ये। वाव, बहुत लाजवाब है ये मसाला ना इसका, बहुत अलग है। आजकल के जो रेस्टोरेंट में मिलता है काफ़ी अलग है ये, सिर्फ आपको गांव में मिल सकता है। तो ऐसी वाइब्स में बैठ के ना बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है कि आप एनवायरनमेंट भी ऐसे में बैठे हो
पूरा फॉरेस्ट बेस थीम वाला रेस्टोरेंट है ये, और बिल्कुल आपको देसी वाइब्स भी देते हैं। बहुत सही है, देखो ऐसे ओह माय गॉड, वाओ, इसको ऐसे डिप करके ना ग्रेवी मस्त खाना चाहिए। चावल के साथ में तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है, बट मैं इसको तंदूरी रोटी के साथ में, नान के साथ में ट्राई कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ऐसे मज़े से खाना चाहिए कि आपको उसका वाइब्स मिलता है। एंजॉय इट्स टेस्ट। इतनी सारी डिशेस में से आपकी फेवरेट डिश कौन सी है वो तो आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर करोगे, है ना। यहाँ बैठकर इस वाइब्स में, फॉरेस्ट वाली वाइब में, ऐसे डायरेक्ट स्काई के नीचे बैठ के इतना अमेजिंग फूड एंजॉय करना आपको कहाँ मिल सकता है। हाय साहब, बहुत डिलीशियस है ये, एंड यू कांट से नो टू दिस। तो ये मेरी क्यूट सी ग्लास में आ चुकी है सोल कड़ी। चाइनीज से लेकर देसी खाना और बहुत कुछ आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, तंदूर की भी डिशेस मिलती है, बट एज आई कैन नॉट ऑर्डर एवरीथिंग हियर, तो मैंने बहुत स्पेशल चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर की है। आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना कि ये सारी चीज़ों में से आपको कौन सी डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और यूनिक भी लगी। I'll see you next time with some unique places, outlets, cafes and restaurants. Till then, keep eating good food and I'll see you soon. Bye bye. Quite hot. Bye.